नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट की पावन धरा पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हम आपको लेकर आए हैं जानकी कुंड पर और यहाँ माता सीता के चरण चिन्हों के निशान देखने को मिलेंगे और वो स्थल देखने को मिलेगा जिसे जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ माता सीता स्नान करती थी। तो चलो देरी न करते हैं, आपको सीधा लेकर चलते हैं। तो यहाँ से हम अपनी चार धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव, जिसमें जानकी कुंड है, यहाँ माता सीता के चरण चिन्हों का दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। और ये सीढ़ियाँ सीधे जाएंगी आगे, जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी गंगा नदी, और वहीं पर माँ जानकी के चरण चिन्ह हैं। और यहाँ पर इनके चरण चिन्हों को दर्शन करने के लिए माता के भारी भीड़ जुटती है। और यहाँ प्रसाद के साथ साथ मछलियों का खाना भी देते हैं लोग। तो मछली आती है, चलो देखते हैं फिर लेते हैं। तो ये है मंदाकिनी गंगा नदी। पुजारी जी, चरण चिन्ह यही पर हैं? ये पर है? यहाँ पे जय माता जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ के बारे में ही तो बता रहे हैं, सिया माता जो दिए थे वस्त्र और भूषण। हाँ, माता रानी यही पे रोज आकर स्नान करती थी और स्नान करने के बाद यही रोज पहनती थी और यही लगाती थी, इसीलिए वही कर परंपरा चल रही है। अच्छा, जो माताएं आती हैं, जो उनसे हो सकता है यथाशक्ति वो तो कर रही हैं, जिससे नहीं हो पाता वैसे हाथ जोड़ काम। और यहाँ नीचे वो ये कुंड है। अच्छा, जानकी कुंड इसी को कहा गया है। और ये आगे है जानकी कुंड। और यहीं पर हनुमान जी की लेटी मुद्रा पर प्रतिमा विराजमान है। और यहीं पर नीचे से माँ मंदाकिनी। तो माँ जानकी कुंड के दर्शन करने के पश्चात अब चलते हैं साधन तक और वहाँ से हम यात्रा आगे की जो जर्नी शुरू करेंगे वो होगी हमारी गुप्त गोदावरी धाम के लिए। तो व्लॉग में बने रहिए, कहीं भी मिस मत कीजिएगा।